यदि आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ऑन मोबाइल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। स्टडी और मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये परसेंटेज का पांचवा वीडियो है। बाकी के वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं बाकी वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी की गई, इसके बाद 20% घटा दिया गया, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपका वृद्धि हो या कमी हो, दो लगातार वृद्धि दो लगातार कमी, टू सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज हो, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसको याद रखिए, ये रामबाण फॉर्मूला है, ये सारे जगह लागू होता है। तो इसी फॉर्मूला में आपको रख देना है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर बढ़ोतरी होगी तो प्लस में रखना है, कमी हो तो माइनस में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 20% बढ़ा है तो प्लस में रखेंगे, फिर 20% घटा है तो माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे 20 गुना 20, अब प्लस माइनस होकर के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बटा में 100, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 20 माइनस 2 गुना 4 यानी यहाँ पे 24 हो गया। अब घटाएंगे तो माइनस का 4 मिला, माइनस का 4 दिखाता है कि 4% की कमी हुई, अगर वही प्लस का था तो 4% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 4% की कमी हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान लेते अगर 100 होगी, तो कह रहा कि पहली संख्या उससे 10% अधिक, 10% अधिक होने का मतलब 110% होगी, और दूसरी संख्या जो है 25% अधिक तीसरी संख्या से, तो 25% अधिक होने का मतलब ये 125% होगी, इससे 25% अधिक और इससे ये 10% अधिक है। ठीक है, तो दो संख्या हमें यहां मिल गई है, पहली और दूसरी भी मिल गई, तो पहली संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, मतलब 110 जो है 125 का कितने परसेंट है, यही बता देना है। ठीक है, इस 5 से कैंसिल कर देंगे 25 से, और ये 4 बार में ये 5 से करता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है 88, यानी कि 88% क्या है वो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी परसेंट है, 88%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तीसरा, किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी, 42% छात्र गणित में एवं 17% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास छात्रों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे प्रतिशत में हम बता सकते हैं, संख्या पे तो नहीं बता सकते, फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत बता सकते हैं, और ऑप्शन भी प्रतिशत में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि दो विषय पढ़ने वाले छात्र हैं, ये आपका इंग्लिश है, ये मैथ। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये वाला जो है आपका पार्ट दिख रहा है, ये दोनों विषय में फेल वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल वाले, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको केवल मैथ में फेल वाला का है, और ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है जो दोनों को कॉमन है, वो दोनों विषय में फेल वालों का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात समझनी है कि कह रहा कि 52% छात्र जो है आपका अंग्रेजी में फेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे विषय में फेल नहीं है। अगर कहता कि सिर्फ अंग्रेजी में फेल है तो 52% यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देते हैं,
ओनली कहता, सिर्फ कहता कि अंग्रेजी में फेल है तो सिर्फ वाला पार्ट में आते हैं। यहाँ पे कह रहा 52% अंग्रेजी में फेल है, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूसरे विषय में फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए 52% यहाँ पे लिखिए अलग, और 42% जो छात्र है यहाँ पे गणित वाले अलग लिखे। बस एक चीज क्लियर है हमको कि 17% छात्र जो है दोनों विषय में फेल है, यहाँ पे 17% छात्र है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना क्या है, दोनों विषय में पास छात्रों की संख्या बताएं। तो पहले फेल जितने हुए हैं उनका संख्या निकाल देते हैं। यहाँ पे पहले क्या कीजिए, 52% छात्र इंग्लिश में फेल है और 17% दोनों विषय में, तो इसमें से 52 में से 17 घटा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपको, आ जाएगा 5 और ये 35। 35% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, मतलब केवल इंग्लिश, ठीक है। उस तरह से केवल मैथ में फेल होने वाले छात्र का संख्या निकालेंगे, 42 में से 17 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25। 25% छात्र जो है केवल मैथ में फेल हुए, ठीक है। तो हमारे कुल फेल हुए छात्र पता चल जाएंगे, यहाँ पे कुल फेल हुए छात्र 35, 17 और 25 सब जोड़ देंगे, 35 प्लस 17 प्लस 25, ये जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 77%। मतलब सब फेल हुए छात्र कितने हो गए, 77%। इसलिए दोनों विषय में पास छात्रों की संख्या 100 में से 77 घटा दीजिए तो ये आ जाता है 23, यानी 23% छात्र जो है दोनों विषय में क्या थे, फेल थे। इसका आंसर ये हो गया। एक और तरीका है आपको, आप जो दिया है दोनों विषय में फेल वाले छात्र को संख्या, और यहाँ पे मैथ में फेल और अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र का संख्या भी दिया है, तो आप क्या कीजिए, मैथ में फेल और अंग्रेजी में फेल को जोड़ दीजिए और दोनों विषय में फेल को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 52 प्लस 42 माइनस 17, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 माइनस 17, घटाएंगे तो आ जाएगा 77। ये 77% जो है सब फेल वाले हैं, तो पास निकालना है तो 100 में से क्या कीजिए आप, 77 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका 23। तो ये दोनों तरीका से आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। 16 लीटर घोल में 25% अम्ल है, 20% अम्ल के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। कह रहा है कि 16 लीटर में 25% अम्ल है, अम्ल की मात्रा उसमें 20% करनी हो तो उसमें और पानी मिलाना पड़ेगा, वही पूछ रहा कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 लीटर में अम्ल मतलब एसिड कितना है, 25% है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये आ जाएगा 4 लीटर क्या है आपका, एसिड है, यानी कि पानी, बाकी पानी है, वाटर कितना हो जाएगा, 4 लीटर तो एसिड हो गया, यानी कि 12 लीटर लीटर आपका पानी हो गया। अब कह रहा है कि और पानी कितना मिलाया जाए कि 20% हो जाए अम्ल की मात्रा, तो यहाँ पे एसिड और अम्ल का, एसिड और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/12, ठीक है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा, मतलब पानी की मात्रा बढ़ानी है ना कि एसिड की, 12 लीटर जो पानी है उसमें वृद्धि होगी जब आप पानी डालेंगे, तो पानी मान लेते हैं 1 लीटर डाला गया, ठीक है, कितना डाला गया, कह रहा कि कितना पानी मिलाया जाए कि उसकी प्रतिशत जो है अब अम्ल की प्रतिशत 20% हो जाए, तो इसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं, यानी कि ये आपका एसिड बाई वाटर, वाटर की मात्रा ऐड हुई है और ये प्रतिशत में हम लोग बदल दिए, और कितने प्रतिशत के बराबर कर देनी है, 20% के बराबर, ठीक है। इसी को आप सोल्व कर लेना है, एस की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 20, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 12 बराबर 4, यानी कि आपका 4 लीटर और पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 20%
रह जाएगा एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा 20% हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 लीटर चीनी के घोल में 10% चीनी है, 6 लीटर घोल वाष्पीकृत होने पर बचे घोल में चीनी का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 16 लीटर घोल था, ठीक है, जिसमें से 10% चीनी है, तो यहाँ पे 16 लीटर में चीनी की मात्रा निकाल देते हैं 10%, 16 का 10% यानी कि 1.6 लीटर क्या हो जाएगा चीनी। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि 1.6 लीटर यहाँ पे चीनी है घोल में 16 लीटर में, तो जब घोल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है 6 लीटर, यानी कि शेष घोल बचेगा अब 6 लीटर वाष्पीकृत हो जाए, तो 16-6 यानी कि 10 लीटर जो शेष बचेगा अब घोल, इस 10 लीटर घोल में भी चीनी की मात्रा 1.6 लीटर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका चीनी वाष्पीकृत नहीं होगा, सिर्फ वाटर वाष्पीकृत होगा, तो 10 लीटर वाला घोल में भी चीनी की मात्रा 1.6 लीटर ही रहेगी। तो अब कह रहा कि शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, तो चीनी का प्रतिशत निकालना, तो चीनी की मात्रा बटा कुल मात्रा आप तो रह गई 10 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 16%, यानी 16% चीनी की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के मैथ रीजनिंग और साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे।